तो दोस्तों लद्दाख इंसिडेंट के बाद से इंडिया के भीतर चाइनीज के प्रति काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ चुका था, चाहे वो एप्स हो या फिर कंपनीज हो। और इसी के बीच में आपको याद होगा महाराष्ट्र ने भी जो 3 चाइनीज कंपनीज थी जो कि प्रॉमिस कर रही थी कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश करेंगे इंडिया के भीतर, तो इन पर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। और आपको याद होगा इसमें ग्रेट वॉल मोटर भी शामिल था जो कि चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। बट नाउ अब यहाँ पर ग्रेट वॉल मोटर इंडिया के भीतर अपने प्लान्स को अब स्पीड अप करता जा रहा है और अब वो एक नया पैतरा आजमा रहा है। वो हैवेल के SUV ब्रांड नेम से अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर चुके हैं इंडिया के भीतर, और यहाँ पर आपको कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे इसके रिलेटेड जहाँ पर बताया जा रहा है ग्रेट वॉल मोटर स्पीड अप इंडिया प्लान्स लॉन्चेस वेबसाइट विद हैवेल SUV ब्रांड। और कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपनी इस इंडियन वेबसाइट पर एक कार को भी शोकेस किया है हैवेल ब्रांड के नेम से, जिसका नाम है F7 SUV। तो ये सब तो देखकर अब काफी स्ट्रांगली लग रहा है कि ग्रेट वॉल मोटर्स फाइनली इंडिया के भीतर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहती है। यहाँ पर इनफैक्ट इनके वेबसाइट में ये सब भी दावा किया जा रहा है कि हम हमारे स्ट्रेंथ और कोर टेक्नोलॉजीज को और तेजी से बिल्ड करने के लिए और साथ ही में न्यू एनर्जी के फील्ड्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। कंपनी यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, ग्रीन क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए जो भी सारी चीजें हैं तो उन सभी को अपनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अब हैवेल F7 इंडिया के भीतर लॉन्च करना चाहते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर SUV भी रह चुकी है, मोस्ट पॉपुलर SUV ब्रांड। एंड इफ ग्रेट वॉल मोटर मैनेज कर लेता है, भारत की अथॉरिटीज से नॉड ले लेता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक आपको इनके इंडिया के भीतर ऑपरेशंस स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। वैसे पिछले साल की शुरुआत तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इन्हें नॉड काफी आसानी से मिल भी रही थी, बट जब से फिर वो लद्दाख स्टैंड हुआ है तब से लेके यहाँ पर हमारी जो फॉरेन रिलेशन है काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, काफी ज्यादा वर्स हो चुके हैं, और इसकी वजह से एक काफी बड़ा ब्रेक लगा दिया गया था ऑन ग्रेट वॉल मोटर एंट्री टू इंडिया। इनफैक्ट रिसेंटली इन्होंने तो हरनूर सिंह ब्रार जो कि नेशनल हेड ऑफ सेल्स और मार्केटिंग थे, एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे इनके कंपनी के लिए, तो ये भी छोड़ के चले गए टू किया मोटर्स यानी कि किया इंडिया जो कि अभी नाम हो चुका है। और इन्होंने पिछले साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा था कि वो $1 बिलियन निवेश करेंगे तलेगांव प्लांट में, साथ ही में वो कई तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी लगाएंगे। एंड नाउ ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अब इन्होंने वेबसाइट को लॉन्च किया है मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया के भीतर एंट्री की तैयारी बना चुके हैं। वैसे अब इसके साफ साफ मैं आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। एक एडवांटेज तो यही है कि यहाँ पर इंडियंस को जॉब मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट निकल कर आएंगी। बट डिसएडवांटेज ये है कि जो पैसा बन रहा है तो वो सीधे सीधे चाइनीज कंपनी को जाएगा इन चाइना, जिस तरह से आपको भारतीय मोबाइल मार्केट में देखने मिल रहा है सेम लगभग उसी तरह का। सो अगर आप इससे एग्री करते हो तो कमेंट्स में वाई लिखिए और नहीं एग्री करते हो तो एन लिखिए। एंड लेट्स सी कि लोगों का क्या कहना है इस कंपनी को लेकर, जरूर से आप कमेंट कीजिएगा।